सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों, LIC के बारे में बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। एक बड़ी कंपनी है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस में दोस्तों। स्टॉक प्राइस है 1025 में। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो पिछले एक साल का रिटर्न 64% का है। शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी आई है और उतार चढ़ाव रहा है, बट ये कि स्टॉक ऊपर की तरफ है। इसका जो हाई बना था 1175 का बना था, 597 से बढ़कर ये 1175 तक पहुंचा है दोस्तों। और इसका IPO आया था, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी और इस साल 2023-2024 में इसमें तेज़ी रही है। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, इसके बिजनेस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था दोस्तों। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। चौथी तिमाही Q4 FY24 के नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। 6 रुपये का डिविडेंड था ये। LIC के बोर्ड ने 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था लास्ट क्वार्टर में Q4 FY24 के नतीजों के साथ। और इसका जो रिकॉर्ड डेट था और डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, 19 जुलाई 2024 है। एक्स डेट भी 19 जुलाई 2024 होगी। तो इसी डेट के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे 6 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड दिया गया है। कंपनी डेट का अपडेट नहीं है। आगे इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी और वो भी होगी 22 अगस्त 2024 को। इसी के बाद डिविडेंड का पे आउट होगा। तो ये डिविडेंड का डिटेल है। डिविडेंड से भी कमाई होती है मार्केट में। और अब बात करते हैं इसके बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों। मार्च के क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 252,965 करोड़ का था और कंपनी का जो प्रॉफिट था 13,842 करोड़ का था। और अब की बार ये प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से बढ़कर आया था। साल भर पहले 13,191 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगभग 13,000 करोड़ का प्रॉफिट है, मान के चलिए 14,000 करोड़, 13,842 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। मार्केट कैप 6,47,617 करोड़ का मार्केट कैप है LIC का। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 130 का और डिविडेंड यील्ड है 0.98% का। EPS है 64 का। ROE है 49 का और P रेशियो है 15 का दोस्तों। तो ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं, बिजनेस पॉइंट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले एक साल के अनुसार और शेयर भी अब 1,000 रुपये के आसपास आ गया है। बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के अनुसार। 1025 में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का रिटर्न 64% का है। एक तेज़ी बनी है स्टॉक में। बीच बीच में उतार चढ़ाव इसमें बने रहते हैं। स्टॉक का जो लो बना था 891 का बना था 13 मई 2024 को, उसके बाद फिर एक तेज़ी बनी और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आया। 927 का इसने लो बनाया। 927 से बढ़कर 1025 में है, तो ऊपर की तरफ 1175 इसका रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। 1175 को ब्रेक करेगा तब यह स्टॉक फिर 1300-1500 के तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट यह समय लगेगा, टाइम लग सकता है ऊपर की तरफ जाने में। और जिस प्रकार के नतीजे लास्ट क्वार्टर में थे, तो आगे आने वाले जो नतीजे होंगे उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 2025-2026 तक स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है दोस्तों। और सपोर्ट जो रहेगा अभी 927 का रहेगा। नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा है तो इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर ख़रीदारी की है तो होल्ड करें, थोड़ा बहुत समय दें। और जो ट्रेडिंग करते हैं 1000 के आसपास जिन्होंने लिया है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें। और डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया है, रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा, बट ये कि 6 रुपये का डिविडेंड है दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे थे, खासतौर से डिविडेंड के बारे में भी पूछ रहे थे। तो
ये अपडेट है दोस्तों अभी तक का। आगे जो अपडेट होगा इसके Q1 के जो नतीजे आएंगे, Q1 का रिजल्ट आएगा, पहली तिमाही के नतीजे आएंगे 2024-2025 के, तब अपडेट किया जाएगा दोस्तों। तो